जागरण जोश को सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो इंडिया पोस्ट आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। इंडिया पोस्ट की ढेरों ब्रांचेस होने की वजह से इसमें 10वीं 12वीं ग्रेजुएट और आईटीआई पास कैंडिडेट्स के लिए ढेरों ऑप्शन है, जिसमें मल्टीटास्किंग स्टाफ, पोस्टमैन जैसी कई पोस्ट आती हैं। जहां तक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का सवाल है, इंडिया पोस्ट में ज़्यादातर पोस्टों के लिए 10वीं पास मांगी जाती है तो कुछ पोस्टों के लिए 12वीं ग्रेजुएशन, आईटीआई या कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है। इंडिया पोस्ट में सिलेक्शन रिटन और इंटरव्यू के आधार पर किया जाता है तो कुछ पोस्टों के लिए 10वीं या 12वीं में प्राप्त अंकों के अनुसार कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाता है। कुछ पोस्टों के लिए इंडिया पोस्ट अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग कैंडिडेट्स की हायरिंग करती है। एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स को वरीयता दी जाती है तो कहीं फ्रेशर्स को। आइए बात करते हैं उन पोस्टों के बारे में जिनके लिए अक्सर इंडिया पोस्ट समय समय पर वैकेंसियां निकालती रहती है। इंडिया पोस्ट में अक्सर ग्रामीण डाक सेवक के लिए वैकेंसी निकलती रहती है, जिसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 10वीं पास है। जहां तक सिलेक्शन प्रोसेस का सवाल है तो 10वीं और 12वीं में प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाता है। इंडिया पोस्ट में अक्सर डाक सहायक की पोस्ट के लिए भी वैकेंसी निकलती रहती है, जिसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 12वीं पास है। जहां तक सिलेक्शन प्रोसेस की बात है तो वह रिटन और इंटरव्यू के आधार पर किया जाता है या फिर कैंडिडेट के 12वीं और 10वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाता है। इंडिया पोस्ट में अक्सर मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए भी वैकेंसी निकलती रहती है, जिसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 10वीं पास के साथ आईटीआई होना ज़रूरी है। जहां तक सिलेक्शन प्रोसेस का सवाल है तो वह रिटन और इंटरव्यू के आधार पर किया जाता है और कैंडिडेट की 10वीं और 12वीं की परफॉर्मेंस के आधार पर भी किया जाता है। इंडिया पोस्ट में मेल गार्ड की पोस्ट के लिए भी वैकेंसी निकलती रहती है, इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 10वीं पास है। जहां तक सिलेक्शन प्रोसेस की बात है तो वह रिटन और इंटरव्यू के आधार पर किया जाता है या फिर कैंडिडेट की 10वीं या 12वीं की परफॉर्मेंस के आधार पर किया जाता है। तो ये थी कुछ अहम जानकारियाँ जो आपको इंडिया पोस्ट में नौकरी दिलाने में मदद करेंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें और डाउनलोड करें सरकारी नौकरी ऐप।